अपन लोग निकलने वाले हैं GT5 में। अपन लोग अभी बाल कटाने जा रहे हैं, हेयर कटिंग के लिए बार्बर नाइट पर, जो भी बोल सकते हो आप बार्बर के बाहर। तो निकलते हैं यहाँ से। सो यहाँ पे गाइस अपन लोग पहुँचने वाले हैं बार्बर के पास बिना किसी दिक्कत के। तो तुम्हारा भाई देख रहा है क्या ही ड्राइविंग कर रहा है अभी, तो कहाँ पे आ चुके हैं अपन लोग। चलो ज़्यादा दूर नहीं है, उसके पास ही पहुँचने वाले हैं। सो गाइस सर, जैसे अभी अपन लोग जा रहे थे उतने टाइम अभी मेरे को लेस्टर का कॉल आया था और वो बोल रहा था कि जल्दी आ जाए मेरे पास करके। सो अपन लोगों को अभी लेस्टर के पास जाना पड़ेगा। वो कुछ बोल रहा था कि कुछ प्लान है ऐसा कुछ करके बोल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा रात होने वाला, तो उसने बोला कि कल तुम या तो तुम रात में आ जाओ या तो तुम सुबह आना ऐसा कुछ करके बोला। तो अपन लोग थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम में जाएंगे जी, क्या बोलते हैं अपने लेस्टर फ्रेंड के पास, क्योंकि बहुत बड़ा हैकर है। तो गाइस सर वो प्लान बताएगा अगले दिन, मतलब अभी ना थोड़ा सा मेरे को काम है, मैं हेयर वेयर कट करवाऊँगा उसके बाद जाऊँगा। तो उसने बोला है शाम तक, मतलब सो लेना आराम से, नेक्स्ट डे आना। तो अपन लोग गाइस पहुँच चुके अपने घर में हेयर वेयर कट करा के, लेकिन हेयर कट कराने गए थे तो दुकान बंद था, शॉप क्लोज था, इसलिए अपन लोग घूम रहे थे इधर उधर। सो यहाँ पे गाइस फाइनली रात हो चुका है, अभी 10 बज रहा है शायद, 10 या 12 बज रहा है। तो अपन लोग गाड़ी को गाइस आराम से पार्क करते लेते हैं यहाँ पे, एंड पार्क करने के बाद गाइस चलते हैं अपने घर में, क्योंकि गाइस माइकल अभी अकेला रहता है, उसकी फैमिली थोड़ी सी मतलब चली गई है अभी कहीं। सो माइकल गाइस चलता है अपने रूम पे। सो चले जाते हैं गाइस अपने रूम पे फटाफट और एक नींद ले लेते हैं, मतलब बिल्कुल झप्पी उप्पी जो भी बोल सकते हो आप। सो अपन लोग यहाँ पे सोएंगे अब, क्या ही बोले अंदाज में। सो गाइस यार हो चुका है सुबह, इतना जल्दी सो के उठ चुका है अपना माइकल। सो यहाँ पे गाइस अपन लोग थोड़ा सा यहाँ से निकलेंगे। जैसा कि आप लोगों को याद होगा पहले अपन लोगों ने बोला था कि मतलब लेस्टर ने कॉल किया था आना मॉर्निंग पे करके, तो अपन लोग यहाँ पे लेस्टर के पास ही जाएंगे डायरेक्ट। आप लोग कपड़े वपड़े बाद में चेंज कर लेंगे, पहले अपन लोग लेस्टर के पास चलते हैं, वैसे क्या ही बोले। सो अभी थोड़ा सा यार यहाँ चलते हैं किचन पे, क्या पता कुछ मिल जाए। तो जूस मार पी लेते हैं, थोड़ा सा जूस पी लेते हैं गाइस बिना किसी टेंशन के। ओके ड्रिंक कर ले भाई मेरे, वाह बेटा मौज कर दी, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर। सो गाइस यार यहाँ पे अपना माइकल भी है हैवी ड्राइवर, जो कि पूरा मतलब जूस पीकर रेडी हो चुका है। अब निकलते हैं गाइस ड्राइवर के घर, तो ड्राइवर ने अपने को बुलाया है, तो मस्त सा प्लान बताने वाला है। क्या प्लान होगा वो अपन को जाके उसके पास जाएंगे ना तो पता चलेगा। सो गाइस यार जैसा कि मैंने कल बहुत धोना था इस गाड़ी को ना, पूरा शीशा उसा मतलब पूरा ख़त्म ही हो गया इसका शीशा, पूरा सामने का देखो ना पूरा ख़त्म हो गया, और गाड़ी भी थोड़ा बहुत डेंट आ गया है। सो निकलते हैं गाइस यहाँ से अपन लोग लेस्टर के घर की तरफ। सो देखो गाइस तुम्हारा कहीं भाई, सॉरी तुम्हारा भाई क्या ही ड्राइव करेगा, अब देखते रहना। ओ भाई साहब मीन्स क्या ही जाएंगे। सो निकल चुके गाइस, अभी हो रहा है 7 या 7:30 के आसपास, कुछ टाइम हो रहा है अभी, अच्छा खासा टाइम है, मतलब ट्रैफिक भी ठीक ठाक है अभी लॉस एंटोस में, एकदम ज़्यादा नहीं है। सो पहुंच चुके गाइस हम लेस्टर के पास, और वो हमें प्लान बता रहा है। तो माइकल बोल रहा है गाइस मैं थोड़ा सा सोचता हूँ। तो गाइस यार माइकल ने ना मतलब बोला कि मतलब चलो मतलब करना ही अब हाइस्ट। तो गाइस यार प्लान ये है कि अपन लोगों को ना एक मतलब किसी मतलब रानी टाइप सी है, मतलब समझ सकते हो ना जैसे प्रिंसेस, तो उसकी ना एक मतलब सुपर कार है, वो एक जगह पे है, लेस्टर ने मुझे वो लोकेशन दिया, उसका लोकेशन नहीं पता मेरे को। तो उसका ना सुपर कार है जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही स्पीड है, फुल क्या ही चलता है वो, और उसको अगर अपन लोग बेचेंगे ना तो अपने पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तो फिलहाल तो बहुत ही मतलब बोला है माइकल कि मतलब चलो इस मिशन को करते हैं। तो गाइस यार उसने बोला कि जाओ पहले एम्यूनिशन की शॉप से अच्छा सा आर्मर, तगड़ा सा आर्मर खरीद के लाना। सो गाइस यार अपन लोगों ने एक तगड़ा सा आर्मर खरीदा है, जिसे वेस्ट भी बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहो आप, आर्मर वेस्ट। सो अपन लोगों ने इसको खरीद लिया है। गन की ज़रूरत तो आई थिंक हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ऑलरेडी गन है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होगा, एक असॉल्ट राइफल, एक स्नाइपर, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेनेड चाहिए होगा और कुछ नहीं। सो अपन लोग गाइस यहाँ से निकल लेते हैं अपने बाइक को उठाते हुए उठाकर। सो अपन लोग गाइस थोड़ा सा चलेंगे उधर ही, देखते रहना क्या ही होता है। लेकिन गाइस गाड़ी जो सुपर कार बोला है ना, मेरे को उसको देखने का मन है, क्योंकि मैंने अभी तक सुपर कार ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, अभी मेरे को मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं सुपर कार कैसे चलाते हैं। सो
पहले के सब लोग निकलते हैं, अब देखते रहो कहाँ जाएंगे अब। वैसे यार अभी टाइम बहुत हो गया, आई थिंक 12 बज गए होंगे। सो यहाँ पे इस बंदे के साथ निकलते हैं, क्या ही है इसका गाड़ी, देखो ना आप लोग। सो गाइस यार अपन लोगों ने रात का टाइम चुना है यहाँ पे, क्योंकि रात पे थोड़ा सा मतलब चोरी वोरी करने के लिए थोड़ा सा ना वो हो जाता है। तो अपन लोग निकल चुके हैं यहाँ। तो गाइस यार मेरे को ना एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, उसने बोला था कि एकदम टॉप पे होगा, मतलब हिल वाले एरिए पे होगा, एकदम पहाड़ वहाड़ की जगह पे। तो तुम ना एक कोई टॉप वाले पहाड़ पे चढ़ना और उसको वहाँ से ना देखना चारों तरफ। तो अपन लोग गाइस चलते हैं, लेसन जैसे बोला भाई यार, वो असली प्लान करने करता धरता वही है अपने गेम का। सो गाइस यार यहाँ पे अपन लोग पहुँच चुके हैं, माइकल मतलब अपन ही पहुँच चुका है। सो यहाँ पे मेरे को चारों तरफ देख रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर चल लेते हैं। सो पीछे मुझे कुछ दिख रहा है टावर यहाँ पे। ओ भाई साहब, आराम से आराम से। सो यहाँ पे ओ गया गया गया, बच गया भाई, आर्मर ने बचा लिया। सो गाइस यार यहाँ पे अपन लोग उठा लेते हैं अपने बाइक को, अब चलते हैं टॉप पे। सो यहाँ पे गाइस टॉप पे आ चुके हैं अपन लोग। यहाँ से मेरे को आई थिंक सामने लग रहा है वो थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा मेरे को पता है उसको, मैं आपको बताता हूँ। नहीं हाँ ये लोकेशन तो नहीं है। ओके 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 ओके, ये वाला है गाइस, यहाँ बैक में आप देख सकते हो, ये जो है ना यही है लोकेशन मेन वाला। सो अपने को यही मिलेगा। सो गाइस यार मैं और इसके बाद ना सुबह ना मतलब चेक करने आया था, मतलब यहीं पे थोड़ा बहुत वेट किया था, बहुत टाइम तक घूम रहा था इधर उधर, कुछ खाया पिया, उसके बाद यहाँ पे मैं गाड़ी लेकर आया 4 व्हीलर। एंड उसके बाद यहाँ पे गाइस अपन लोगों ने मतलब जैसे देख सकते हो आप, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे खड़े हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं बट सिविलियंस भी खड़े हैं। तो मतलब इसमें इससे ये पता चलता है कि मतलब अभी तो अपन लोग भी जा सकते हैं, अगर अपन लोग सिविलियन की तरह मतलब रिएक्ट करेंगे, अगर मैं जाग गन निकाल लूँगा तो ऑब्वियसली बात है कि अपन लोग खा जाएंगे। सो गाइस सर चुपचाप निकलते हैं और मैं अपना फ़ोन निकाल लेता हूँ, जिससे लगे कि मतलब बंदा ऐसे ही घूमने आया है ऐसे वैसे टाइप से। तो पहले अपना फ़ोन निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो यार, वहाँ पे सामने शानदार येलो कलर की खड़ी एक गाड़ी, जो मेरे को उसका नाम नहीं पता, लैम्बोर्गिनी है, लेकिन लैम्बोर्गिनी होगी शायद, मेरे को उतना आइडिया नहीं है शायद। तो वहाँ पे गए अपन लोग को जाना है, तो पहले चारों तरफ गए अपन लोग को सिक्योरिटी देख लेना है कि सिक्योरिटी कितना है, नहीं तो कि फिर क्या ही बोले हो जाएंगे हो जाएगा। सो यहाँ पे गए ऊपर में 2 3 4 बंदे हैं, और साइड में गए साइड ही साइड में बहुत सारे खड़े हैं। ओके सो यहाँ पे बंदा क्या कर रहा है भाई, वो ताली बजा रहा है। तो गई सर वो जो प्रिंसेस थी वो उसकी ना आई थिंक ये ही प्रिंसेस है, या तो उसकी कुछ मतलब फ्रेंड ऐसे टाइप कुछ होगी, लेकिन वो प्रिंसेस अभी नहीं आई है आई थिंक, वो यहाँ पे नहीं आएगी वैसे, उसकी ऐसी फ्रेंड बस आई है, लेकिन वो प्रिंसेस अभी नहीं आएगी क्योंकि वो किसी काम में बिजी थे तो नहीं आएगी, ऐसा करके मुझे लेस्टर ने बताया है। सो उसकी फ्रेंड बस आई है जो कि वहाँ पे फोटोशूट करा रही है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ऊपर में 2 बंदे हैं, इधर भी 2 बंदे हैं, सॉरी एक बंदे है ऊपर में भी, एक बंदा है, और इधर चारों तरफ एक बंदा है। तो गाइस एकदम सिंपल बंदे की तरह मैं पूरा मतलब चाह रहा हूँ एकदम, मतलब उन्हें शक ना हो कि मतलब ये मतलब सिविलियंस ही ऐसा टाइप से। तो गाइस सर पीछे भी अपन लोग देख लेते हैं कि कितने बंदे हैं, वरना दिक्कत हो जाएगा बाद में फायर करने के बाद। सो अपन लोग चल लेते हैं पीछे की ओर, सो भागते हैं इधर से क्योंकि अब हो गया कितना। सो यहाँ पे गाइस तो एक भी गार्ड नज़र नहीं आ रहा है पीछे। ओके ये तो सिविलियंस है जो कि ऐसे बैठे हैं। ओके तो इधर तो कोई नहीं होगा। ओके ये कैसे पड़ा है भाई, इसमें मार लिया लग रहा है, ड्रिंक व्रिंक पीपा लिया लग रहा है। तो सो गाइस यार यहाँ पे तो कोई गार्ड नहीं है, सब एकदम सिंपल बंदे हैं जो कि खड़े हुए हैं। तो वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं इधर का, वैसे लगाना चाहते तो लगा सकते थे, बट इधर कोई गार्ड नहीं है गाइस। ओके अपन लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं फाइनली, आराम से चलते हैं इधर बिना किसी दिक्कत के। सो यहाँ पे गाइस सिर्फ ना यही चारों तरफ ना, इसी के चारों तरफ जो ग्राउंड है इसके चारों तरफ बस है। ये किसका गाड़ी यार, इसको उठा लूँ क्या मैं, अच्छी दिख रही है, हायाबूसा बोल सकते हो। ओके ओके ये किसी पागल बंदे ने लाकर खड़ी कर दिए, कोई ना चलो चलो अपन लोग इसको ही उठा लेते हैं। सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं पुलिस ऑफिसर्स की, और देख ही सकते हो गाइस जब मैं अपना कार यहीं पे छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि क्या ही बोले हो जाएगा।